यहाँ पर नेहा धो रही है बर्तन और उसने मुझे बोला कि मेरे साथ खड़े रहे क्योंकि चारों तरफ नजर घुमानी पड़ती है कहीं बाघ तो नहीं है। चिंटू चिकू कहाँ जाना है? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर डूइंग फाइन। अभी हो रहे सुबह के 6 बजे हैं और कल रात मैंने बिस्तर लगाते टाइम झाड़ू लगाया था, उसके बाद पता नहीं नाक में मिट्टी घुसी कि क्या हुआ, मेरे इस साइड मतलब नाक और गले के बीच में इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना, मतलब थूक अंदर लेने में भी बहुत दर्द हो रही है। मतलब कल रात में अच्छे से सो भी नहीं पाई हूँ, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। अभी मम्मी गर्म पानी कर रही है, गर्म पानी पीते हैं। और इन भाई सबको देखो खेतों में साले, ये देखो इसको घूमता क्यों नहीं अकेले अकेले, इसको चाहिए कि मैं भी इसके साथ ही घूमूँ। गए तभी मैंने पानी छुआ था, हाथ पकड़ गए, बहुत ठंडा हो रहा है। मैं तो ऊपर जा रही हूँ भाई, देख लूँ। हम तो चले बिस्तर में सोने के लिए। अंदर क्यों आया तू, जब हार घूम? इसकी दोस्त नहीं आई ना अभी तक पोपली, इसलिए यहाँ पर मैं बना रही हूँ अभी फीकी चाय, जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा काली मिर्च डाल दी है। अब इसको पीते हैं, जैसे जैसे पीना पड़ेगा गला ठीक करने के लिए। चिकू पोपली उठ गई, जा रन। और ये चिंटू चला गया पोपली के घर, ये देखो नहीं आने दी उसको यार। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 8:30 और अभी तक धूप नहीं आई है, मतलब ये देखो इतने हिस्से में धूप आई है और ये धूप भी लगनी थी, मतलब खली ऐसी आई है अभी तो। अभी थोड़ी देर में बहुत तेज धूप आ जाएगी इधर, दिन में ना बाहर बैठने जैसा नहीं होगा, इतनी खतरनाक धूप आती है ना चुभने वाली। और अभी बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है तो फटाफट चाय बनाते हैं। तो गाइस यहाँ पे बन रही है 7-8 लोगों की चाय। अरे कैसे पानी पी रहा है भाई, अरे 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 इतनी प्याज, इतनी प्याज, चल जा हप, चल चल खेतों से हट, हट। क्या हो गया? ले 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 इसे पी ले। अभी मैं दे रही हूँ यहाँ मूली के पत्तों में पानी, यहाँ मूली उगाई है। ओ भावेश ये क्या खा रहा है? मुर्गी? ये तुझे कैसे पता? गाइस सच में मुर्गी है, चिकन स्टिक है ये, चिकन स्टिक। भावेश को कैसे पता चला हैं? गाइस देखो छत में जाने का रास्ता कैसे है, अभी कैसे आने का इधर से छलांग मारने की। और ये बोलना क्यों, बोलना नहीं होता? अभी भैया इस उस डब्बे की मधुमक्खी इस वाले में शिफ्ट करेंगे, चेंज करते रहनी पड़ती है ना टाइम टू टाइम, 6 महीने में मुझे ना काट ले कहीं उड़ के। ये रे गाइस मधुमक्खी। अच्छा ये प्लेट उठाओगे ना आप? अरे बाप रे इसमें तो बहुत ज्यादा है। शायद कब निकालते हैं? अभी तो फरवरी में निकालेंगे और एक जून जुलाई में। यार छत से नीचे जाने का रास्ता देखो यार, आते टाइम तो ठीक था, जाते टाइम कैसे जाऊं। हेलो एवरीवन, तो मेरी तबीयत जो है थोड़ी ज़्यादा ख़राब होने लग गई है, गले में तो प्रॉब्लम हो ही रही है, बुखार भी आने लगा है। मैं अभी पी रही हूँ चाय, मतलब मैंने सुबह से बहुत बार चाय पी ली और चाय पी के ना थोड़ा आराम मिल रहा है, गरम गरम चाय जब गले में जा रही ना अच्छा लग रहा है। तो यही अपडेट देना था आपको, आज का व्लॉग शायद छोटा बने, 2 मिनट का, 4 मिनट का, 6 मिनट का, मुझे पता नहीं है, बट व्लॉग आएगा। नेहा आ चुकी है नहा के, तेल मालिश कर दे यार, नहीं प्लीज़ सरसों का तेल चपचपा दे। मुझे आता ही नहीं, इनको आता ही नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, इनसे होता ही नहीं है, पसंद हो चाहे ना हो, बुखार आ रहा है मेरे को, मेरा सर दर्द हो रहा है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर लिटिल सिस्टर। क्या ऐसे कर रही है, ऐसे कर रही है, ऐसे कर रहा है। चिकली कहाँ है चिकली? अरे कहाँ छोया है, नीचे कोने में तू। तो गाइस मैं अपने लिए तेल ले आई हूँ, पहले चाय पी लेती हूँ, फिर बाहर धूप में बैठ के तेल लगाऊंगी, फिर धूप में ही बैठी रहूंगी थोड़ी देर तक। क्या हो गया, क्यों भौंक रहा है? ऊपर शेरू को देख के भौंक रहा होगा पक्का। क्यों? वो देखो ये रहा शेर, और ये रहा ये साला छाले मोटे। इस शेर को रखते हैं धूप में। A few minutes later. तो गाइस प्लान में आया थोड़ा सा चेंज, मैंने ऑयलिंग ना करते हुए झंडू बाम सर में लगा लिया है। हेलो गाइस, तो मैं 2 घंटे सोई थी और सोते मेरा गले का दर्द तो है ही, मतलब और बुखार भी बढ़ गया, मतलब बुखार तो था ही नहीं, बुखार भी हो गया और बहुत ज्यादा तेज वाला बुखार हुआ है। झोली गाइस ताई जी ने बनाई है झोली, तो मैं झोली खा रही हूँ। अब मुझे नहीं पता ये जुकाम बुखार के लिए अच्छा होता है कि गंदा होता है, हालांकि मेरा मन भी था झोली खाने का, मुझे झोली बहुत ज्यादा पसंद है, झोली जिसको समझ नहीं आ रहा कड़ी। गाइस दर्द बिल्कुल कम नहीं हो रही है, आंखों में बहुत दर्द होने लग गया, अब फिक्स लगाया है और इतनी जलन हो रही है ना, मतलब क्या बताऊँ मैं। मैंने पहन ली हुई जैकेट क्योंकि मुझे हो रहा है ठंडा बहुत ज्यादा, हालांकि बाहर धूप है लेकिन बुखार में है ना ठंडा बहुत ज्यादा होता है। तो अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ फीकी चाय।
क्योंकि दूध नहीं है, दूध अभी भैया लेकर आएगा, इसलिए फीकी चाय। और ये देखो अदरक कैसे कूटा मैंने, एक्चुअली कूटने वाला है नहीं तो ये जुगाड़ अपना। अभी चाय बन रही है मेरे लिए, ताऊजी के लिए और चाचा के लिए। ये देखो दोस्ती देखो इनकी, पता है क्या, चिंटू और पोपली ना सुबह से खुला घूम रहे हैं और शेरू बेचारा अंदर ही था, मतलब बाहर नहीं था बट वो अंदर ही था, वो मैच्योर भी है दोनों बच्चे हैं। और ताऊजी ने इसको भी बात दिया चिंटू को, तो पोपली इसी के साथ बैठी है अभी भी, मतलब अभी शेरू नीचे खुला घूम रहा है बट पोपली इसी के साथ है। चिंटू मेरी ना तबीयत खराब हो गई है यार, बुखार आ रहा है। पोपली चाहिए ना तेरे को, जा मेरे से बात मत करना उससे। ये देखो गाइस काफी टाइम बाद पोपली और शेरू एक साथ एक फ्रेम में, यहाँ ये भाई साहब है, यहाँ ये भाई साहब है हमारे। क्या हो गया, पोपली शेरू के साथ चली गई? ओ तो गाइस मैं पी रही हूँ चाय, और मतलब मैं सोने ही लगी थी बट मैंने बोला नहीं भाई इतना कौन सोता है, तो मैं उठ गई, मैंने चाय बनाई है। मैं इस लोग को इंपरी करती हूँ एंड, क्योंकि मैं बिल्कुल हालत में नहीं हूँ, मतलब कुछ अपलोड करना है करके, मैंने बस रिकॉर्ड करे जा रही हूँ बस, कुछ मतलब अपलोड करना है करके, तो इस लोग को इंपरी करते हैं समाप्त। वो लोग अच्छा लगा तो अपने रिचुअल्स जो हैं वो पूरे कर देना, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब के, मिलते अगले ब्लॉग में। और बाकी तो फिर वही है, ख्याल रखें अपना और अपनों का, मतलब ये बोलने वाली बात तो नहीं, रखोगे ख्याल तो, यहाँ आँखें भी नहीं खुल रही। बाय गाइस। यहाँ पर नेहा धो रही है बर्तन और उसने मुझे बोला कि मेरे साथ खड़े रहे, क्योंकि यहाँ पे जो है गाँव में ना बाघ का बहुत ज़्यादा डर होता है, और ऐसा मजाक नहीं कर रही, सच में होता है। क्या कहते हैं, शाम के समय भी ना गाय उनको लेके जाते हैं ना, बकरी वकरी को, बाघ आते हैं और बकरी को या फिर गाय के बछड़े को ले जा लेते हैं, तो इस वजह से एक को साथ रहना पड़ता है, एक को बाघ को देखना पड़ता है, चारों तरफ नज़र घुमानी पड़ती है कहीं बाघ तो नहीं है। वैसे मैंने अपना व्लॉग तो बाघ को देखे तो सीधे खड़ी हो जाएगी, क्यों मैं भागूंगी नहीं, सीधी क्यों खड़ी होंगी, पैर काटने लग जाएगी, पैर कांपने से मैं भागूंगी नहीं, पहले पैर तो बाद में कांपेंगे, तो भाग नहीं जाएगी डर के मारे। अभी अपने जानवर बचाने के लिए मैं क्या बाघ को देख के खड़ी खड़ी हो जाऊंगी यार। मैंने अपना व्लॉग 4:30-5 बजे एंड कर दिया था, तो ये मैंने ऐसे दोबारा बना दी वीडियो, मतलब ऐसे ही लंबा करने के लिए नहीं, मतलब बताने वाली बात है, गाँव में ऐसा होता है। बाय।